सो फ्रेंड्स, तो आज के जो वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, वो भी ओनली स्नैपसीड एप्लीकेशन में आप लोग को कुछ इस टाइप की एडिटिंग सिखाने वाला गाइस। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, इस फोटो में जो भी आप लोग को PNG एंड यूज किया हूँ उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गाइस, यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैं चैनल पे नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अपनी फोटो को ओपन कर लेना है स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। तो इसके अंदर ओपन करने वाले फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पहले टूल्स पे क्लिक करना होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे नीचे स्लाइड करना होगा फ्रेंड्स, और यहाँ पे ब्लैक्स व्हाइट पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आप लोग को नेचुरल आप लोग को यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद हल्का से नीचे स्लाइड करेंगे फ्रेंड्स, कंटेस्ट को हल्का से माइनस पर रखेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। और फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे वी ग्रिड्स, यहाँ पे देखिए आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वी ग्रिड्स पे जाएंगे और ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे ब्रश पे। और फ्रेंड्स आप लोग क्या करना है, अपने देखिए यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है और अपने फोटो को से जूम करके आप लोग अपने कपड़े का कलर आप लोग लाल लेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इसको पूरा फुल माइनस पे रखेंगे और यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कपड़े कलर आएगा। तो इसको आप लोग अपना रियल रखेंगे कपड़े कलर। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे पत्ते के भी हल्का सा इसको भी कर लेंगे ड्रॉ। तो फ्रेंड्स आप क्या करना है, यहाँ से आप लोग को डन कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है। और फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और नीचे स्लाइड करना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए वाइट बैलेंस पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स हल्का से यहाँ पे देखिए टेम्परेचर को माइनस में रखना है और इसको हल्का से यहाँ पे देखिए हल्का से एकदम 1+ में करना है और यहाँ से डन करना है। और फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पे फिर से टूल्स पे क्लिक करना है और क्रू पे जाना है फ्रेंड्स, और यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पे ब्लू पे क्लिक करना है फ्रेंड्स और इसको हल्का से ऊपर की तरफ इंक्रीज करना है। और यहाँ पे ग्रीन पहना है, ग्रीन को हल्का से यहाँ पे माइनस में रखेंगे और रेड पहेंगे फ्रेंड्स, रेड को भी हल्का से माइनस में रखेंगे और यहाँ पे हल्का से इसको ऊपर की तरफ करेंगे। और यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर आइकन पे क्लिक करेंगे, वी ग्रिड्स पे जाएंगे और यहाँ पे क्रू पे क्लिक करेंगे और ब्रश पे। और अपने फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स से, और यहाँ पे अपने फिर से वैसे करना है फ्रेंड्स, आप लोग को अपने यहाँ पे बॉडी पे पूरा इरेज कर लेना है आप लोग को। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से डन कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए बचा है तो इसको हल्का सा कर लेते हैं और यहाँ से डन कर देंगे फ्रेंड्स और यहाँ पे बैक आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करेंगे और सिलेक्टिव पे और चेहरे पे स्लाइड करके ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे और साइज को हल्का सा और इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स एक बार और टूल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे डबल एक्सपोजर पे और यहाँ से पे जाएंगे और कुछ PNG को एड करेंगे। यहाँ पे इस वाले PNG को लेंगे फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ सेट करेंगे और बीच में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसको हल्का से ऊपर की तरफ से सेट करेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स और एक बार और क्लिक करना है टूल्स पे, डबल एक्सपोजर पे जाना है और रेड फोटो पे और इस वाले PNG को लेना है, इसको भी यहाँ पे बीच में क्लिक करके आप लोग ऐड कर लेंगे
और रेड पे अच्छा नहीं लगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे लाइटिंग कर लेंगे और इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे नीचे आएंगे और पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे और नीचे स्लाइड करेंगे, आई क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेंगे और इसको फेस, इस फेस को हल्का से माइनस पर रखेंगे और स्किन स्मूथनिंग को हल्का से इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से डन कर देंगे। तो फ्रेंड्स आफ्टर बिफोर देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे फाइनल आप लोग को फोटो एडिट हो चुका है, तो अपने फोटो को आप लोग को सेव कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद से क्या होती है, फोटो की जो क्वालिटी होती है हाई हो जाती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।